दिन की नई सुबह और नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आपको किसी से आज मिलवाना चाहती हूँ। तो ये देखिए कौन आ रहा है। ओ ओ ओ ऐसे दिखाओगे अभी तुम? मिलिए मेरे हस्बैंड से। हेलो ऐसे दिखा दिया मुझे तुमने? मैं सुबह सुबह अच्छे से सूट बूट में अच्छे से पहन के चश्मा लगा के इंट्रोडक्शन कराओगे तुम? इनका नाम है रेबत। चलो हम लोग कहीं नीचे जाके आते हैं। क्या किधर? थोड़ा काम है मुझे। क्या काम? कुछ स्पेशल चीज लेना है नीचे से। चलो ना प्लीज। ये तो काम खत्म करो पहले। चलो 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 मिलते हैं हम नीचे। हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे जाकर कड़ी पत्ते का झाड़ है, वहाँ से कड़ी पत्ता तोड़कर लेकर आते हैं, क्योंकि मेरे आज के खाने में वो चीज़ इस्तेमाल होगी। ऐसे तो हम लोग हर खाने में कड़ी पत्ता हमारे यहाँ पे यूज़ होता ही है, लेकिन आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है, इस वजह से हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर मेरा छोटा सा सुपारी का बागान है, छोटा सा। स्पेशल ऐसे कुछ ऐसा है नहीं, नॉनवेज वगैरह स्पेशल नहीं है, तो दूसरा ये वेज ही स्पेशल है, कुछ सोचिए उसने, देखते हैं। कच्छू का पौधा इधर निकल के आया है, छोटे छोटे पौधे, इसे छू नहीं सकते, छुएंगे ना तो अभी पानी है ये, इसको अगर ये टूट गया और इसका अगर कहीं से इसका पानी लग गया अपने कहीं भी शरीर के कोई भी हिस्से में तो बहुत खुजली होती है। अभी ये सब क्लीन करना है, बारिश इस बार बहुत हुई थी तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर आ नहीं पाए। आज आ रही हूँ, थोड़ी धूप निकली है इस वजह से अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ये तामुल खा रहे हैं, तामुल सुपारी। आसामी में तामुल बोलते हैं इसको, बीड़ा बीड़ा बोलते हैं। हाँ बीड़ा। ऑलरेडी मैं पान मुंह में डाल के लेके आया था। हमारा कड़ी पत्ते का पेड़, आइए यही पेड़ से मेरी दादी भी इसी कड़ी पत्ते से अपने घर में सब्जी बनाती थी। हो जाएगा ना इतना? हाँ हाँ हो जाएगा, काफ़ी है। सूख जाएगा नहीं तो? नहीं, उसके पहले हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। चलो उधर चलते। थोड़ा संभाल संभाल के चलना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा बारिश की वजह से। मिला है ना? ओ अच्छा हुआ, चलो इतने दूर आए, जो चीज़ के लिए वो चीज़ मिल गई। बहुत अंदर जाना, कैसे जाएंगे? ये के जो बाम्बू है ना, वो बाम्बू काटे वाले हैं, काटे वाले हैं। देखिए ये कितने नोक है, ये देखिए कितने नोक है, ये लगेगा ना खून निकल आएगा। मैं भी आ जाऊँ? हाँ बहुत काटे। ओ मिल गया है मेरा खाना, ये देखिए। आप सभी जानते होंगे ये तो बाम्बू शूट है, सभी को पता है। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग इसका अचार भी बनाते हैं और अचार भी बहुत टेस्टी लगता है।
देखिए कितना बड़ा था, और देखिए इसे पूरा कट करने के बाद कितना सा बचा है। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। ये ले लो, अभी बनाइए तो शाम को बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद में बनाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। आइए, एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है, शायद आप लोग मुझे बता सके ये क्या है। ये है ना, ये फूल की एक खास बात है। हाँ एक सेकेंड ब्लैकी, एक सेकेंड ब्लैकी। हाँ, एक सेकेंड। ये है ना फूल की एक खास बात है, ये फूल है ना दिन के समय मुरझा जाते हैं और रात के समय ये खिलते हैं, और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आती है। शायद ये रात में जगते हैं और दिन में ये सोते हैं, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है। किसी को, आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ये फूल का क्या नाम है। ये देखिए कितने सुंदर है। शाम हो रही है, इससे पहले जल्दी से जल्दी मुझे ये बनाना है रात होने से पहले। तो आइए हम बांबू शूट बनाते हैं। दिख तो बहुत अच्छा है। मैं भी टेस्ट करती हूँ। बाम्बू का यही खासियत है, वो क्रंचीनेस है ना, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं ना वैसा कुरकुरा क्रंचीनेस है। कुरकुरु कुरु बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट इसका हल्का हल्का खट्टा, हल्का तीखा। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम दिया आपने इसका? इसका नाम मैंने दिया है बाम्बू अचारी। वाह मस्त, बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं खाया है, कहीं ऐसी जगह पे मिलेगा तो जरूर टेस्ट कीजिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग अपना एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।